हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मृति। आज हम बनाएंगे पिंडी छोले, वो भी बिना तेल से। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कप छोले, इसे मैंने रात भर भिगो के रखा था और अच्छी तरह मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। छोले को कुकर में डाल देंगे। यहाँ पे नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे। चाय पत्ती को उबाल के मैंने उसका पानी निकाल लिया है। अब हम उसमें ये डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, 2-3 दालचीनी के टुकड़े। अब हम 5-6 सीटी आने तक इसे प्रेशर कुक करेंगे। कुकर को खोल के एक बार चेक कर लेते हैं बॉयल हुआ कि नहीं। ये देखिए अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब हम इसे बनाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। यहाँ पे मैंने लोहे का कढ़ाई लिया है। अब हम इस पे डालेंगे कटी हुई प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, थोड़ा सा कटी हुई अदरक, इसे हमें भुनना है जब तक इसकी कलर चेंज ना हो जाए। इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने इस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। प्याज बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इस पे डालेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटो लिया है। अब मैं इस पे डालूंगी 1 टेबलस्पून छोले मसाला, ये मैंने घर पे ही बनाया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। आप इसको मिक्स के हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे। छोले मसाला पाउडर की रेसिपी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब हम उस पे उबले हुए छोले डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप इस पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। अब हम उसकी पानी भी डाल देंगे। अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी पाउडर। और इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी। 5 मिनट्स हो चुका है, छोले बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल पे निकाल लेंगे।